नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है, बीजेपी का जोश हाई दिख रहा है। बड़े बड़े नेता मैदान में उतर चुके हैं और कमान संभाले हुए हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव में एनडीए के 400 पार का नारा देने के बाद बीजेपी ने सभी पत्ते खोल दिए हैं। एनडीए के कुनबे में पुराने बिछड़े सहयोगियों को शामिल किया जा रहा है, जिससे ये कुनबा तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के बाद ओडिशा में नवीन पटनायक से भी दोबारा दोस्ती हो गई है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल से भी बातचीत चल रही है, जो कृषि कानून के विरोध में कुनबा छोड़कर चले गए थे। इस चुनावी दोस्ती में ओडिशा की गलबैया भी गजब की है, जहां 25 साल से सत्ता में बीजेडी 15 साल बाद फिर से गठबंधन में लौट रही है। इन नजारों को देखने के बाद विपक्ष के पसीने भी छूटने लगे हैं, लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी की इस बढ़ती दोस्ती पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे। 15 साल बाद एनडीए में क्यों लौटे नवीन पटनायक? बीजेपी बीजेडी की दोस्ती की क्या है इनसाइड स्टोरी? लोकसभा चुनाव से पहले दोनों दल क्यों आए साथ? नवीन पटनायक गठबंधन से क्या होगा फायदा? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और विपक्षी खेमे में खलबली भी मचा दी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए लगातार मजबूत हो रहा है, जो इंडी गठबंधन के लिए तूफान साबित होने वाला है। वहीं आम चुनाव आते ही ओडिशा से भी एनडीए को गुड न्यूज मिलने लगी है। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान एक तस्वीर सामने आई, जिसने कई तरह के सवाल पैदा कर दिए हैं। कहते हैं कि तस्वीरें बोलती है, एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है। यह सिर्फ कहावत नहीं है। अगर दो दिन पहले मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की मुलाकात वाली तस्वीर नहीं देखी तो फिर से देखिए, क्योंकि इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी बातें हो रही हैं। वैसे पीएम जब विपक्ष शासित राज्य में जाते हैं तो सीएम के सामने भी तंज कसने में संकोच नहीं करते। ओडिशा से पहले तेलंगाना में उन्होंने ऐसी ही चुटकी ली थी, लेकिन यहाँ अलग गर्मजोशी दिखी। ऐसे में साफ है कि भाजपा और नवीन बाबू की पार्टी बीजेडी के बीच कुछ पक रहा है। बीजेपी की एक प्रेस रिलीज से भी इसके संकेत मिले हैं। कहा जा रहा है कि 15 साल दूर रहने के बाद बीजेडी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर एनडीए में वापसी कर सकती है। दोनों पार्टी में तलाक के बाद एक बार फिर से निकाह कबूल करने की चर्चा जोरों पर है। बता दें कि भाजपा और मोदी सरकार 2047 तक देश को विकसित बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। कुछ ऐसी ही बातें 2036 तक विकसित ओडिशा बनाने के लिए राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेडी ने भी कही है। 2036 का साल ओडिशा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि तब राज्य के 100 साल पूरे हो रहे हैं। यही वजह है कि बीजेडी ने मिशन 2036 तैयार किया है। ऐसे में संभावना बढ़ गई है कि दोनों दलों में गठबंधन होने वाला है। अगर यह गठबंधन होता है तो एनडीए को एक और मजबूत क्षेत्रीय दल का साथ मिल जाएगा। इसके शुरुआती संकेत उसी समय मिल गए थे जब पटनायक की पार्टी ने हाल में राज्यसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का समर्थन किया था। वहीं दिल्ली में भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के साथ ओडिशा कोर कमेटी की बैठक भी हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्वेल उराव ने बताया कि इसमें राज्य की सभी 21 लोकसभा सीटों के साथ साथ राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर चर्चा हुई। जब उनसे राज्य में बीजेडी और भाजपा के गठबंधन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यह कहते हुए बचने की कोशिश की कि इस बारे में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही फैसला करेगा। भाजपा और बीजेडी के बीच अलायंस ऐसे समय में हो सकता है जब राज्य में विधानसभा चुनाव भी करीब है। हाल के वर्षों में दोनों पार्टियां एक दूसरे के विरोधी रही हैं, लेकिन साथ आने से भाजपा का जो समीकरण है वो काफी मजबूत हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर दोनों दलों में बातचीत लगभग पूरी हो गई है और अगले कुछ घंटों में इसकी घोषणा भी हो सकती है। दरअसल 7 मार्च को ही भाजपा के साथ गठबंधन तोड़े पटनायक को 15 साल हो गए। 2009 के चुनाव से पहले दोनों दलों के रास्ते अलग हो गए थे। भाजपा के लिए यह सुकून देने वाली बात है, क्योंकि हाल में नीतीश कुमार के आने से बिहार में एनडीए काफी मजबूत हुआ है। बताया जा रहा है कि भाजपा और बीजेडी दोनों दलों ने अलग अलग बैठकें की हैं।
भुवनेश्वर में अपने घर पर सीएम पटनायक ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की। बीजेपी ने दिल्ली मुख्यालय में ओडिशा के पार्टी नेताओं के साथ मंथन किया। पूर्व आईएएस अधिकारी और बीजेडी नेता वीके पंडियन को पटनायक का विश्वास पात्र माना जाता है। उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के साथ कई दौर की चर्चा की है। इस घटनाक्रम के पीछे मोदी पटनायक दोस्ती की अहम भूमिका है। हाँ, पीएम मोदी और नवीन पटनायक के बीच अच्छी केमिस्ट्री देखी जाती है। पटनायक की प्रशंसा में पीएम उन्हें लोकप्रिय सीएम कहते हैं। पटनायक की छवि एक सरल और सौम्य राजनेता की रही है। उन्होंने राज्य की सियासत तक खुद को केंद्रित रखा, जो भाजपा के पक्ष में जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सार्वजनिक रूप से एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। वही मोदी की रैली में ऐसा ही दृश्य देखने को मिला था। इतना ही नहीं, बीजद संसद में ज्यादातर समय मोदी सरकार के एजेंडे का समर्थन करती नजर आई। कहा जा रहा है कि बीजेपी से गठबंधन होने की स्थिति में भाजपा राज्य की ज्यादातर लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बीजेपी विधानसभा की अधिकतर सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। ओडिशा में लोकसभा की 21 और विधानसभा की 147 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और भाजपा ने 12 और 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। विधानसभा में बीजेपी और भाजपा ने 112 और 23 सीटों पर कब्जा जमाया था। बीजेपी के इस समय राज्यसभा में 9 सांसद हैं। बीजेपी राज्य में अपना वोट शेयर बढ़ाना चाहती है, जिसमें यह पार्टनरशिप लाभकारी साबित हो सकती है। हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी का दबदबा देखा जाता है। अब पार्टी नेतृत्व पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। भाजपा और बीजेपी के बीच 1998 से 2009 यानी करीब 11 साल तक गठबंधन रहा। दोनों ने साल 2000 में पहली बार विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ा था। हालांकि दिसंबर 2008 में कंधमाल जिले में सांप्रदायिक दंगे भड़कने के बाद 2009 चुनाव से पहले बीजेडी ने अलायंस तोड़ दिया। हालांकि बाद के वर्षों में न तो सीएम नवीन बाबू और न ही कभी उनकी पार्टी ने पीएम मोदी या उनकी सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष ने उन्हें इंडी अलायंस में भी लाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं गए। 2004 का लोकसभा चुनाव भाजपा और बीजेडी ने मिलकर लड़ा था। कांग्रेस के केंद्र में सरकार बनी, लेकिन राज्य में एनडीए का वोट शेयर ज्यादा रहा था। एनडीए को 49% तो यूपीए को 40% वोट मिले थे। भाजपा ने 7 और बीजेपी ने 11 लोकसभा सीटें जीती थी। वहीं अब 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने खुद के लिए 370 सीट और 50% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी दो स्तर पर प्लानिंग की है। पहला, बीजेपी खुद ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दूसरा, वोटों के विभाजन रोकने के लिए राज्य में क्षेत्रीय दलों से समझौता। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, असम, आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने नए दोस्त भी चुन लिए। ओडिशा में भी उन्होंने पुराने पार्टनर से दोस्ती की, जिसके साथ उनका पुराना अनुभव शानदार रहा। दोनों पार्टियों के बीच 11 साल तक गठबंधन रहा और ओडिशा में उनका दबदबा रहा। हर चुनाव में करीब 50% वोट गठबंधन ने हासिल किए। इन सब के बीच सवाल उठ रहा है कि पटनायक को गठबंधन से क्या फायदा होगा। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक के संबंध मधुर ही रहे हैं। पिछले 10 साल में दोनों नेताओं ने एक दूसरे का सम्मान रखा। इसका असर यह रहा कि नवीन पटनायक ओडिशा में बिना टेंशन शासन चलाते रहे। अब 25 साल के शासन के बाद राज्य में एंटी इंकम्बेंसी का असर हो सकता है, इसलिए बीजेडी ने समझौते के बाद राज्य के मजबूत विपक्ष अपने पाले में कर लिया। सीएम नवीन पटनायक के विश्वास पात्र पूर्व आईएएस अधिकारी वीके पंडियन ने भाजपा के केंद्रीय नेताओं के साथ डील पर चर्चा कर ली है। 2024 में ही ओडिशा विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार अब दोनों दलों ने समझौते का फॉर्मूला बनाया है। इसके तहत बीजेपी ओडिशा में 12 और बीजू जनता दल 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। विधानसभा में कुल 147 सीटें हैं, जिनमें 100 सीटों पर बीजेडी चुनाव लड़ेगी और भाजपा सिर्फ 47 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इस फॉर्मूले से अगर जीत मिली तो राज्यसभा में भी दोनों दलों को काफी फायदा होगा। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे पर फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।